5.1 क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, इफ एसी इज इक्वल टू बीडी देन प्रूव दैट एबी इज इक्वल टू सीडी। फिगर दिया हुआ है, तो एसी इज इक्वल टू बीडी दिया है, प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। इस फिगर को हम यहाँ पर ले आएंगे। अब देखो, दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी डी, बट बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी। बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी। क्यों? क्योंकि बी सी क्वाइंसाइड करता है। तो थिंग्स जब क्वाइंसाइड करता है एक दूसरे से तो वो इक्वल होता है। इस हिसाब से बी सी इज इक्वल टू बी सी कहेंगे। तो थिंग्स विच क्वाइंसाइड विथ वन एनदर आर इक्वल टू वन एनदर। ये यूक्लिड्स के एग्जियम 4 में चर्चा है। तो यूक्लिड्स एग्जियम 4 के अनुसार बी सी इज इक्वल टू बी सी होगा। क्यों? दोनों क्वाइंसाइड करता है तो इक्वल होगा दोनों आपस में। और ये दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया हुआ है, और बी सी इज इक्वल टू बी सी अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एग्जियम 4। मतलब दोनों क्वाइंसाइड करता है तो इसलिए दोनों क्या होगा, इक्वल। अब ये दोनों इक्वल है और फिर ये दोनों भी इक्वल है, तो इक्वल को जब इक्वल से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो आपस में इक्वल हो जाता है। ये कहता है यूक्लिड्स एग्जियम 3, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड। इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये एग्जियम 3 में चर्चा है, इस बात का चर्चा यूक्लिड्स एग्जियम 3 में है, है ना। तो इक्वल को जब हम इक्वल से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर्स जो आता है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो एसी में से बीसी माइनस करेंगे, है ना, तो रिमाइंडर आएगा एसी माइनस बीसी, और फिर बीडी में से बीसी माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा बीडी माइनस बीसी, और फिर वो दोनों रिमाइंडर क्या होगा, इक्वल अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एग्जियम 3। तो इसको हम इसके इक्वल करेंगे। अब एसी में से बीसी माइनस करेंगे, एसी में से बीसी माइनस करेंगे तो एबी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम एबी लिखेंगे, और फिर बीडी से बीसी माइनस करेंगे, बीडी से बीसी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सीडी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीडी। तो एबी और सीडी इस प्रकार से इक्वल प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।